वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग प्लेट हीट एक्सचेंजर के शटडाउन में मेंटेनेंस के बारे में चर्चा स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो चले मित्रों, वीडियो को चालू करते हैं। एक एक स्टेप को हम लोगों को चाहिए कि ध्यान से देखें और समझें। स्टेप नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट इज मेड टू इशू। सबसे पहले वर्क परमिट निकाला जाता है। हम लोग जानते हैं मित्रों, किसी भी काम को करने के लिए शटडाउन के अंदर वर्क परमिट जरूरी है। दूसरा स्टेप है, जॉब के अनुसार टूल्स का व्यवस्था किया जाता है। टूल्स आर टेकन अकॉर्डिंग टू जॉब्स। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड ये सब टूल्स है, इसको देखें और पहचानें। अगला स्टेप है थ्री, प्रॉपर पीपीई इज टेकन। प्रॉपर पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि वर्क से रिलेटेड अगर हम लोग पीपीई नहीं यूज करते हैं तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है और काम करने का परमिशन भी नहीं मिलता है। अगला स्टेप है, अकॉर्डिंग टू ब्लाइंड लिस्ट ब्लाइंडिंग वर्क इज कंप्लीटेड ऑफ इनलेट आउटलेट। ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार इनलेट आउटलेट को ब्लाइंड कर दिया जाता है। एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आप सुपरवाइजर हैं तो जॉब से रिलेटेड वर्क पैक क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। उस वर्क पैक में वर्क से रिलेटेड लगभग सारा एक्टिविटी के बारे में स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। जैसे हीट एक्सचेंजर के प्लेट को क्लीनिंग करने के लिए क्या करना है, केवल फ्रेश वाटर से क्लीनिंग करना है या फिर एसिड से भी क्लीनिंग करना है। वी शुड फॉलो ऑल स्टेप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉलोइंग प्लेट हीट एक्सचेंजर। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए। वी विल डिस्कस सम स्टेप्स। हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सारे स्टेप को वर्णन करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू ओपन ए गैस्केटेड प्लेट हीट एक्सचेंजर, यानी कि कैसे इसको हम लोग खोलते हैं। फर्स्ट, स्लाइड सरफेस ऑफ कैरिंग बार इज क्लीन बाय मेटल ब्रश। मेटल ब्रश से हम लोग कैरिंग बार को क्लीन करते हैं। उसके बाद जो प्लेट पैक है उस पर परमानेंट मार्किंग करते हैं ताकि लगाने के समय दिक्कत ना हो। टाइटेनिंग बोल्ट भी मेटल ब्रश से क्लीन कर दिया जाता है और उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है। मित्रों, छोटे प्लेट हीट एक्सचेंजर यूनिट में चार टाइटेनिंग बोल्ट्स होते हैं। अदर्स बोल्ट्स आर लॉकिंग बोल्ट्स। अन्य बोल्ट्स लॉकिंग बोल्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉकिंग बोल्ट्स को लूज कर निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, लॉकिंग बोल्ट को कैसे निकाला जा रहा है। लॉकिंग बोल्ट निकल गया। जब अब टाइटेनिंग बोल्ट्स को नंबरिंग के अनुसार हम लोग निकालते हैं। नंबरिंग का मतलब है, जैसे अपर लेफ्ट को पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद लोअर राइट को, और फिर उसके बाद अपर राइट को, और फिर उसके बाद लास्ट में लोअर लेफ्ट को निकालते हैं। इस प्रकार करने से हम लोगों को जो प्लेट है, फिक्स प्लेट और प्रेशर प्लेट, हमेशा जो है कि पैरेलल रहना चाहिए। लगातार बोल्ट्स को लूज करने से प्लेटों के बीच का प्रेशर निकल जाता है। अब प्लेट को एक एक कर निकाला जाता है। अभी देखिए, नीचे वाला बोल्ट्स निकल गया। अब प्लेटों को निकालते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
कि हैंड ग्लोव्स हमेशा हाथ में लगाए रहें ताकि किसी प्रकार का किसी इंसिडेंट ना हो। प्लेट्स आर क्लीन्ड बाय नाइट्रिक एसिड और एनी अदर लिक्विड प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते समय हैंड ग्लोव्स पहनना जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। देन प्लेट्स आर ब्रश्ड बाय डायमंड ब्रश इन बोथ साइड। प्लेट के दोनों साइड में डायमंड ब्रश से सफाई करनी चाहिए। वीडियो में देखें कैसे डायमंड ब्रश से प्लेट को साफ किया जा रहा है। इसमें नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया गया है। आपके साइड पर जो एसिड प्रोवाइड किया जाता है उसे साफ करें। नाइट्रिक एसिड से दोनों साइड में डायमंड ब्रश से रगड़ रगड़ कर हम लोग उसके अंदर जो भी कचरा सेडिमेंट जमा है उसको निकालते हैं और फिर लास्ट में इसको हम लोग फ्रेश वाटर से साफ करते हैं। जैसे देखिए वीडियो में कैसे फ्रेश वाटर से इसको साफ किया जा रहा है, रगड़ रगड़ कर सारे प्लेटों को इसी तरह बारी बारी से फ्रेश वाटर में अब हम लोग क्लीनिंग करते हैं। फ्रेश वाटर में क्लीनिंग होने के बाद मित्रों इसको हम लोग धूप में सुखाने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ते हैं ताकि इसके अंदर जो भी वाटर है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद इसके स्लॉट के अंदर ध्यान से आप देखेंगे कि एकदम साफ हो गया है। अगर स्लॉट के अंदर किसी प्रकार का कोई सेडिमेंट जमा है तो उसको भी हम लोग टेस्टर जैसा कोई टूल्स है उसकी सहायता से हम लोग रगड़ रगड़ कर अंदर से निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर बनने में मुश्किल होगा। उखड़े हुए गैस्केट को एना बॉन्ड की सहायता से हम लोग फिक्स कर देते हैं या फिर नया गैस्केट लगा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लेट को क्लोज किया जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है। तो फर्स्ट प्लेट्स पैक आर प्रेस टुगेदर एंड देन लॉकिंग एंड टाइटनिंग बोल्ट्स आर इंसर्टेड। तो प्लेटों को लगाकर प्लेट पैक को लॉकिंग बोल्ट टाइट किया जाता है। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं सबसे पहले लॉकिंग बोल्ट और उसके बाद जो मार्किंग पहले किया गया था उस मार्किंग को मैच कराया जाता है। बोल्ट को टाइट करते समय हमेशा सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है। टाइटनिंग बोल्ट को टाइट करते समय सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि हम लोग खोलते समय जैसा सीक्वेंस से खोला था। फ्रेम प्लेट्स एंड प्रेशर शुड बी पैरेलल बिफोर फर्दर टाइटनिंग। टाइटनिंग करते समय फ्रेम प्लेट और प्रेशर प्लेट हमेशा पैरेलल रहना चाहिए और डिस्टेंस इनके बीच हमेशा चेक करते रहना चाहिए मेजरिंग टेप से कि डिस्टेंस एक जैसा है कि नहीं। तो सीक्वेंस में देखें वीडियो में कैसे जो है कि बोल्ट्स को टाइट किया जा रहा है। टाइटनिंग के समय जो गैस्केट है सभी गैस्केट अपने ग्रुप्स में फिट रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कैसे चेक किया जा रहा है सभी गैस्केट्स अपने ग्रुप में फिट है और जो गैस्केट क्लिप्स है वो भी जो है कि प्रॉपर वे में होना चाहिए। गैस्केट क्लिप्स जिगजग पैटर्न में नज़र आते हैं। लॉकिंग बोल्ट्स आर ऑल्सो टाइटेन। अब लॉकिंग बोल्ट्स को भी टाइट कर दिया जाता है। इसे अवॉइड ओवर टाइटनिंग बोल्ट्स। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बोल्ट्स ओवर टाइट ना हो जिसके चलते इसमें गैस्केट खराब हो सकते हैं। ओवर टाइटनिंग से प्लेट डैमेज हो सकता है और गैस्केट क्रैशिंग होने का चांस रहता है। बिफोर करेक्ट माउंटेड प्लेट्स एज शुड होनीकम। जब हम लोग टाइट कर देंगे तो प्लेट जो है कि होनीकॉम्प जैसे
दिखने लगेंगे। और अंत में मित्रों, पूरा यूनिट पर एक आयल का लेयर लगा देते हैं सुरक्षा के हिसाब से। धन्यवाद।